कन्नौज में एसपी कुमार आनंद ने किया घटना का खुलासा। ई रिक्शों पर सवार महिलाओं को लूटने वाले गैंग का पर्दाफाश। गैंग के दो सदस्य पुलिस ने लूटे माल के साथ दबोचे। गिरोह का सरगना नहीं लगा पुलिस के हाथ। सौरिख और छिबरामऊ में गिरोह ने महिलाओं के साथ की लूटपाट। तालग्राम का अंशुल गिहार और एक नाबालिग ने सरगना के साथ मिलकर लूट की वारदात को दिया अंजाम। एसपी अमित कुमार आनंद बोले, जल्द पुलिस की गिरफ्त में होगा सरगना। छिबरामऊ पुलिस और एसओजी टीम को मिली बड़ी कामयाबी। 15 मई को थाना छिबरामऊ क्षेत्र अंतर्गत एक ई रिक्शा से महिला जब जा रही थी तो चलती ई रिक्शा से कुछ 22 बाइक सवार बदमाशों ने उसका जो पर्स था उसके पास वो छीन लिया था और इस प्रकरण में थाना छिबरामऊ पे मुकदमा पंजीकृत किया गया। हमारी एसओजी टीम और थाना छिबरामऊ टीम ने बहुत ही सराहनीय कार्य करते हुए इसमें दो अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है और इनके पास से उक्त घटना से संबंधित जो बैग इन्होंने छीना था वो भी बरामद किया गया। जो महिला के जो दो मोबाइल फोन, आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो अन्य दस्तावेज थे वो भी 100% बरामद किए गए। पूछताछ के क्रम में ये भी प्रकाश में आया कि इनके द्वारा थाना सौरिख क्षेत्र में भी इसी प्रकार से चलती ई रिक्शा से महिलाओं से बैग छीना गया था। उक्त प्रकरण में भी थाना सौरिख पे जो मुकदमा पंजीकृत था उससे संबंधित जो बैग में आभूषण थे और नकद रुपये लगभग 10,000 रुपये थे वो भी इसके पास से बरामद किए गए हैं। इस प्रकरण में अंशुल गियार जो थाना तालग्राम का रहने वाला है उसको गिरफ्तार किया गया, साथ ही एक नाबालिग को अभिरक्षा में लिया गया है। इसमें जो एक अभियुक्त वांछित है इसमें राजेश गियार, उसकी भी जल्द गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। पूरी टीम ने बहुत ही सराहनीय कार्य करते हुए जो थाना छिबरामऊ और सौरिख एरिया में छिनैती की घटनाएं की थी उन अपराधियों की गिरफ्तारी करके बहुत ही सराहनीय कार्य किया। इनसे जो पूछताछ के क्रम में जो आया है उनके ऊपर अभी तक कोई पूर्व का आपराधिक इतिहास नहीं है। उनके पूर्व में अभी रिसेंटली इन्होंने इस प्रकार से काम करना शुरू किया था और ये पुलिस की गिरफ्त में आ गए हैं। इसमें जो एक वांछित अभियुक्त है राजेश गियार, उसके बारे में अभी विवेचना प्रचलित है, उसके ऊपर अन्य आपराधिक इतिहास होने की संभावना है जो अभी हम लोग चेक कर रहे हैं। जो घटना थाना छिबरामऊ में हुई, आसपास के सीसीटीवी फुटेजेस को देखा गया, इसमें एक बाइक और उस पर जो सवार बदमाश थे वो दिखे, फिर इसके ट्रेस किया गया, वो सीसीटीवी के आधार पर इन्हें चिन्हित किया गया और पूरे केस का खुलासा हुआ। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।